अब हम क्या डिस्कस करेंगे, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जिसके प्रूफ भी हम करेंगे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो वो क्या उसका पाथ फॉलोड होगा, पैराबोला होगा या क्या भी स्ट्रेट लाइन होगा, क्या होगा, और जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो कैसे उसकी मोशन होगी। तो मैंने कुछ इसमें 6 केसेस बना रखे हैं जो नॉर्मली आपके पेपर में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, और इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे रिजल्ट्स को। और अगर कोई और क्वेश्चन आता भी है तो कोई बात नहीं, फ्लेमिंग का रूल तो हमें भी आता है तो उस टाइम देख लेंगे क्या है। तो पहला रिजल्ट है जो इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी करवाया जाता है, केस नंबर 1, जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है तो परपेंडिकुलर एंटर करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी है, तो उसका जो पाथ फॉलोड होगा, याद रखना, वो हमेशा क्या होगा, पैराबोला होगा। इसका प्रूफ अभी हम करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है इसमें, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसमें मूव करता है, परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है, तो उसका पाथ फॉलोड क्या होगा, पैराबोला होगा। तो इसको अगर हम प्रूव करना चाहें तो ऐसे प्रूव करेंगे कि सपोज आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो लेट अस सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई विच इज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है ई वेक्टर अपवर्ड, एंड चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर करता है, कुछ ऐसे एंटर करता है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है यहां तक? अब चार्ज पार्टिकल कैसे जा रहा था, सीधा, वो तो सीधे चल रहा था, पर रास्ते में क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को कहां लेके जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कितनी फोर्स लगाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई अपॉन मास। तो इतनी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगा कि पार्टिकल ऊपर जाए। आप चाहते हैं कि पार्टिकल सीधा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है पार्टिकल ऊपर आए, तो अब ये सीधा भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो इसका जो पाथ फॉलोड होगा वो क्या होगा, पैराबोलिक होगा। अब ये प्रूव कैसे हो, प्रूव करने के लिए इमेजिन करो कि सपोज ये पार्टिकल यहां से यहां टी टाइम में आ गया और इसने एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में कवर की और वाई डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में कवर की। इसे दो दो डिस्प्लेसमेंट कवर की क्योंकि 2D में है, एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट कवर किया, वाई एक्सिस में वाई कवर किया। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक। और इसमें इनिशियली जब ये एंटर किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी वी, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, इसके पास वर्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, जीरो। इनिशियली ये हॉरिजॉन्टल एंटर किया था, वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी इसकी, जीरो। वो अलग बात है कि बाद में वर्टिकल वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई, पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जब कोई फोर्स नहीं है, जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। तो अगर मैं बात करता हूं एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमें पता है कि वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो हम कौन सी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। तो बॉडी ने एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर की और कितने टाइम में, टी टाइम में। तो क्या ये फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक। साइमल्टेनियसली बॉडी ने वाई डिस्प्लेसमेंट भी कवर की। तो अगर मैं वाई की बात करता हूं, तो वाई एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो, हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। और एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, क्यू ई बाय एम। और टाइम की जगह पुट कर सकता हूं एक्स बाय वी। ये लो मैंने पुट कर दिया। क्लियर है यहां तक? तो इसमें साफ पता लग रहा है कि जो वाई है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर।
और मैथ्स में जब y x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो पाथ फॉलोड बाय डिस्चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक?